गौरवपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे साथी यहीं के भूमिपुत्र जल शक्ति मंत्री जी डीजी बीएसएफ पंकज सिंह जी उपस्थित सभी बीएसएफ के अधिकारीगण जिन्होंने आज शानदार परेड में हिस्सा लिया है और जो अपनी चुस्तता के लिए बधाई के पात्र है ऐसे सभी जवान भाइयों बहनों उपस्थित सभी बीएसएफ परिवार के परिवारजनों और जैसलमेर के उपस्थित सभी आज बीएसएफ के निमंत्रण पर हमारे निमंत्रण पर आए हुए सभी नागरिक भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों आज 57वां स्थापना दिन और परंपरा के अनुरूप इसकी परेड का दिन है और इसका विशिष्ट महत्व है। महत्व दो दृष्टि से है, एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज जैसलमेर की वीर भूमि पर ये स्थापना दिन मनाया जा रहा है और दूसरा ये स्थापना दिन हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का स्थापना दिन। आजादी मिले हुए 75 साल हुए हैं, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है और जब आजादी की शताब्दी होगी मतलब आज से 25 साल तक जब शताब्दी मनेगी तो 75 से 25 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में पूरा देश इसको देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाने का। ये आजादी के अमृत काल में ये तय करना है कि 100 साल के बाद जब देश आजाद होगा तब हम कहां खड़े होंगे। हर दृष्टि से हर क्षेत्र से और अलग अलग डायमेंशन और परिमाणों से हम कहां खड़े होंगे उसका लक्ष्य तय करने का ये वर्ष है। मैं मानता हूं गृह विभाग और सीमा सुरक्षा बल ने भी आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी तब सीमा सुरक्षा बल हर क्षेत्र के अंदर चाहे वो ट्रेनिंग हो, तकनीकीकरण करना हो, जवानों की चुस्तता को संभाल कर रखना हो और अलग अलग प्रकार से जो सीमा को सुरक्षित करने के नए तौर तरीके अपनाने हैं हर दृष्टि से अपने लक्ष्य उन्होंने तय करने चाहिए ऐसा मैं मानता हूं और मुझे विश्वास है कि पंकज सिंह के नेतृत्व में ये काम सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छे तरीके से करेगा। मैं जब आज यहां पर आया हूं तो देश भर के पुलिस बल, हमारे सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा की अलग अलग जगह पर लगे हुए सारे सीएपीएफ के जवानों ने 35,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर बलिदान दिए हैं और मुझे कहते हुए गौरव है कि बीएसएफ इसमें सिरमौर है, सबसे आगे है क्योंकि सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ को दिया है। आज मैं उस सभी दिवंगत शहीद जवानों को विनम्र भाव के साथ पूरे देश की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे 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 सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल
हमारा सीमा सुरक्षा बल है, इसको हमें बहुत गर्व है। चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर हर निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। और आज लोंगोवाल के युद्ध को कौन भूल सकता है। सेना और सीमा सुरक्षा बल ने साथ में मिलकर 1971 में लोंगोवाल में एक अदम्य उत्साह और प्रचंड पराक्रम का परिचय देते हुए बहुत कम संख्या में हमारे जवानों ने एक पूरी टैंकी बटालियन को खदेड़ दिया था, उसका संपूर्ण समूल नाश करने का काम किया। और वो युद्ध देश भर में लड़े गए जमीनी युद्धों के अंदर उदाहरण रूप दिखाया जाता है। कई ट्रेनिंग सेंटरों में उसको सिखाया जाता है कि आधुनिक से आधुनिक हथियार हो, संख्या ज्यादा हो और सामने सामना करने के लिए हथियारों के नाम पर लगभग कुछ न हो, संख्या 1/10 हो, फिर भी अगर जवान वीरता के साथ देशभक्ति से प्रेरित होकर सामना करता है तो विजय श्री उसी का वर्णन करती है जो पराक्रमी है, जो साहसी है, जो अपने देश को सुरक्षित करना चाहता है। और ये उदाहरण आज पूरे दुनिया भर के ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर सिखाया जाता है। कुछ समय पहले मैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को मिला था, फरीदाबाद में देश का सबसे ऊंचा झंडा लहराने के लिए मैं गया था, तब चांदपुरी जी को मिलने का मुझे मौका मिला था, मुझे उसका गर्व है। मित्रों, आपको मिले एक महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और अगिनत पुलिस मेडल आपके सीमा रक्षण में एक अद्वितीय बल होने का सबसे बड़ी साक्षी भरता है कि ये बल को इतने सारे वीरता के चक्र मिले हैं, वो मेरे लिए भी गौरव है। मित्रों, मानव जाति के इतिहास में वीरता को सम्मानित करने के लिए कोई पदक बना ही नहीं है। आपकी वीरता स्वयं में पूरे देश के लिए एक पदक है, इससे ज्यादा परिचय में आपकी वीरता का नहीं दे सकता। और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने जिस पराक्रमी बीएसएफ के जवानों को पदक लेकर पुरस्कृत किया है, जिनका सम्मान और गौरव किया है, वो केवल उन जवानों के लिए नहीं, समस्त बीएसएफ की 2,65,000 की संख्या वाले बल के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहेगा। अटल जी के समय में एक निर्णय हुआ कि एक देश एक बल, देश से जुड़ी हुई सीमाओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कर पूरी होच पोच को समाप्त करने का काम किया गया। एक देश की सीमा पर एक ही बल होगा और उस वक्त बीएसएफ के लिए उचित ही है, वैसे बीएसएफ के लिए सबसे कठिन सीमाओं का चयन किया गया, 4,165 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं ये दोनों सीमाओं का रक्षा सबसे कठिन होता है, परंतु 193 बटालियन और 2.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 2,65,000 जवानों का आपका जो मजबूत संगठन है, उसने इस सीमाओं की बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा कर अपने आप को साबित करने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री सीमाओं के प्रहरियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। इन्होंने एक आयुष्मान योजना का प्लानिंग किया है, जिसके तहत देश के सभी सीएपीएफ को और उनके परिवारों को
पूर्ण स्वास्थ्य कवर एक कार्ड से दिया जाएगा। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता था, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता, मगर इसके लिए इतनी बड़ी लिखाई।